खबर यूपी के चंदौली से है। नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला चंदौली जनपद के सकरडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां दो युवकों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना बीते 4 अप्रैल की बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने डेढ़ावल पुलिस चौकी पर मामले की शिकायत भी की। आरोप भी लगा है कि पुलिस कार्रवाई की बजाय हीला हवाली करती रही। इससे क्षुब्ध किशोरी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जहां उसे वाराणसी स्थित मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जब जाकर पुलिस ने दो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी चंदौली को जब जानकारी हुई तो खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरी घटना के बाबत सकरडीहा कोतवाली से जानकारी प्राप्त की है। बताया जाता है कि किशोरी 4 अप्रैल को शौच के लिए सिवान की तरफ गई थी। इसी दौरान गांव के रहने वाले दो लोगों ने उसे खेत में खींच लिया और जबर दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर परिजनों को आपबीती सुनाई। आरोप है कि घटना की जानकारी डेढ़ावल पुलिस चौकी को दी गई, लेकिन पुलिस मामले में हीला हवाली करती रही। इससे क्षुब्ध होकर किशोरी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर सीएचसी पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां से भी उसे शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चंदौली से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय बताएं। नाम मेरा मुन्ना प्रजापति जी। नाम धरारा जी। आप आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के करीब आए हैं अपने लड़की को लेकर, क्या है मामला? कौन किया है बलात्कार? पंकज राजभर और हरीश राजभर। और क्या, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? तो क्या आपने अपने थाने पर इसका कंप्लेन किया? गए थे सर, वहाँ कंप्लेन किया था। क्या बोले वहाँ से? वहाँ से बोले कि क्या लेके बोलते इस दिन सब बंद था संडे की। कचहरी से आप दिखा कर लेके आए तब हम कंप्लेन किस दिन का बलात्कार हुआ है? आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 को पीड़िता के पिता द्वारा थाना सकरडीहा जनपद चंदौली पर लिखित तहरीर दी गई कि मेरी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, दिनांक 4 अप्रैल 2021 को प्रातः 4 बजे शौच के लिए गई थी और दिन में 12 बजे वापस आई, और उसने बताया कि उसके साथ दो व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार किया गया है, जो कि पीड़िता के ग्राम के ही निवासी हैं। लड़की के स्वास्थ्य को देखते हुए उसे चंदौली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसने विषाक्त पदार्थ खाया है, जिसके इलाज के लिए उसे मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा वाराणसी भेजा गया है, जहां पर वह चिकित्सारत है तथा खतरे से बाहर है। इस प्रकरण में थाना सकरडीहा पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग में नामित दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है तथा पूछताछ एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक विवेचना से एवं पीड़िता के कथन से एक अभियुक्त के साथ उसका पूर्व से परिचय पाया जा रहा है। अग्रिम विवेचना जारी है।